एलर्जी का ग्लो प्लस रेंज रिव्यू। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ये जो रिव्यू होगा मेरा पर्सनल रिव्यू है, एक कोई स्पॉन्सर्ड रिव्यू है, दिस इज अनस्पॉन्सर्ड रिव्यू। लेकिन सारे जो प्रोडक्ट्स है ना मेरे पास पीआर में आए थे, मेरे पास पांचों के पांचों प्रोडक्ट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो एक के बाद में जो मेरा एक के बाद एक जो है मेरा पर्सनल जो रिव्यू है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने उसको एक महीना यूज किया है, मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे कैसा लगा पर्सनली। सो दिस इज द बॉक्स राइट हियर। आई मस्ट से इनका पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा लगता है कि आप कुछ गोल्ड या डायमंड वगैरह खरीदो, इतना अच्छा पैकेजिंग है इनका। दिस इज द पैकेजिंग, आप देख सकते हो इतने अच्छे से आता है। इसको आप रख के कुछ स्टोर भी कर सकते हो, अपने ज्वेलरी वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन हम पैकेजिंग के बारे में बात नहीं कर रहे आज। तो फर्स्ट जो है एक्वालॉजी का ग्लो प्लस स्मूदी फेस वॉश विथ पपाया एंड विटामिन सी। दिस इज फॉर ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेट। बेसिकली पूरा जो रेंज है ना विटामिन सी इन्फ्यूज्ड है, ऑल्सो ब्राइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ब्राइटनिंग मतलब ये नहीं कि आप फेयर हो जाओगे, आपका स्किन टोन जो है उस हिसाब से रहेगा, टैन वगैरह सब कुछ हट जाता है। तो दिस इज द फेस वॉश राइट हियर। इसका जो प्राइस है 299 rupees है, इसमें 100 ml प्रोडक्ट आता है। दिस इज द कलर थीम, पूरा सब प्रोडक्ट जो है ऐसे येलो आप देख सकते हो आता है। तो यह है फेस वॉश का पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत मिनिमल एंड बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट लाइक दिस फेस वॉश, लाइक मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिखा है कि इसने काम किया है सब कुछ। तो इफ यू वॉन्ट टू ट्राई इट आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज लाइक एवरेज काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आपके लिए भी काम कर सकते हैं, मेरे स्किन पे बिल्कुल नहीं काम किया है। नेक्स्ट जो सबसे फेमस है इस रेंज पे, दिस इज द एक्वालॉजी का ग्लो प्लस जूसी ड्यू ड्रॉप। ये बहुत ज्यादा फेमस है इंटरनेट पे, एंड दिस इज इन्फ्यूज्ड विद पपाया एंड विटामिन सी। दिस इज ऑल्सो फॉर ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेट इंस्टेंट स्किन ग्लो। 30 ml प्रोडक्ट आता है, पैकेजिंग कुछ अलग है इसका, एंड इसका प्राइस मुझे ठीक से याद नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ का लिंक मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि डब्बा मैंने फेंक दिया है। एंड दिस इज द ड्रॉपर राइट हेयर। मैं आपको पहले से कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, मैं वन ड्रॉप लेके आपको दिखाती हूँ उसकी कंसिस्टेंसी कैसा है। एंड इसको आप जब ब्लेंड करोगे ना बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल सा शाइन देगा। मैं आपको बोलूँगी अगर आप डार्क स्किन टोन के हो, डस्की स्किन टोन के हो अगर आप, तो स्किन पे बहुत ज़्यादा ना इल्यूमिनेटिंग लगता है, उससे क्या होता है स्किन ब्लैक हो जाता है। इसको ये ऐसा प्रोडक्ट है, आप इसको एज अ स्किन केयर रूटीन में आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। आपको इसको बिफोर मेकअप जो है अप्लाई करना पड़ेगा फॉर ड्यूई एंड इल्यूमिनेटिंग जो ग्लो होता है स्किन में उसके लिए। अदर देन डैट अगर आप इसको एवरी डे मेकअप के लिए, जैसे आपने थोड़ा बहुत अपने फेस में बीबी क्रीम लगाया, थोड़ा बहुत हाईलाइट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन स्किन केयर रूटीन में एज अ सीरम वगैरह आप इसको बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हो। अगर आपको एक स्ट्रोक क्रीम चाहिए जो सीरम कंसिस्टेंसी में है, सो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। नेक्स्ट आते हैं उनके मॉइस्चराइजर्स पे। तो दिस इज देयर टू मॉइस्चराइजर, दिस इज देयर नाइट जेल एंड दिस इज द मॉइस्चराइजर। दोनों का टब जो है आप देख सकते हो सेम है, एंड बहुत ही मिनिमल प्रिटी पैकेजिंग है। दिस इज द मॉइस्चराइजर राइट हियर, मैं आपको इसको पहले दिखाती हूँ। एंड दिस इज द कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हो मैंने काफी हद तक इसको यूज किया है। तो इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस है 499 rupees, आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। बहुत ही येलो है कलर में आप देख सकते हो, एंड इसको जब आप अप्लाई करोगे ना बहुत थोड़ा बहुत स्किन ना येलो हो जाता है, आप देख सकते हो मेरा हैंड जो है येलो हो गया। तो आई थिंक इसमें थोड़ा बहुत कलर कुछ तो अप्लाई कुछ तो उन्होंने यूज किया है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत एक अच्छा मॉइस्चराइजर है। स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, स्किन में ग्लो प्रोवाइड करता है, विटामिन सी आपका काम तो अपनी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग दिस बजट में, अगर आप ट्राई करना चाहते हो कुछ विटामिन सी वगैरह मॉइस्चराइजर, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। नेक्स्ट वी हैव एक्वालॉजी का ग्लो प्लस मूस नाइट जेल। तो दिस इज देयर नाइट जेल, ये भी सेम पैकेजिंग में आप देख सकते हो, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। मॉइस्चराइजर से ज्यादा मुझे ये प्रोडक्ट ज्यादा पसंद आया है। इसका कंसिस्टेंसी जो है ओ माई गॉड बहुत अच्छा, आप देख सकते हो येलो भी है लेकिन ये जेल फॉर्म में है। दिस इज द कंसिस्टेंसी एंड दिस इज द टेक्सचर राइट हियर। अगर आप इसको अप्लाई करोगे ना बहुत जल्दी फटाफट से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। ऑल्सो इसमें कुछ ऐसा येलो नहीं है कि आपका फेस जो है थोड़ा बहुत येलो हो जाएगा, फटाफट से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छा है। एंड विटामिन सी है, नाइट टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो। एंड इसका जो प्राइस, इसका प्राइस है 599 rupees एंड आपको 50 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है इस पे। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट जो है इस रेंज में एक्वालॉजी का ग्लो प्लस डीव सनस्क्रीन। ये सनस्क्रीन बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, उनका जो ग्रीन कलर का आया था, आई थिंक हाइड्रेशन समथिंग कुछ था उसका, वो भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट उनका जो सनस्क्रीन से बहुत ज्यादा अच्छा, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आपको एफोर्डेबल प्राइस में कुछ सनस्क्रीन चाहिए या तो हायर साइड में भी ढूंढ लो, उसको छोड़ के मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक्वालॉजी का सनस्क्रीन जो है आप एक बार ट्राई करके देखो। तो इसका जो प्राइस है 399 rupees एंड आपको 50 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। एंड लुक एट द पैकेजिंग राइट हियर, बहुत ही प्रिटी क्यूट पैकेजिंग है। एंड दिस इज द पंप पैकेजिंग, दिस इज द कंसिस्टेंसी राइट हियर, दिस इज द टेक्सचर व्हाइट कलर में। एंड आई मस्ट से बहुत ज्यादा हाइड्रेटिंग है एंड बहुत ज्यादा ड्यूई फिनिश होता है स्किन पे, आप देख सकते हो इंस्टेंट फटाफट से जो है एब्जॉर्ब हो जाता है।
एंड सारे रेंज में से मैं अगर आपको कोई सजेस्ट करूंगी कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस वन। ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप एक सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो, एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, आई एम श्योर कि आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडेस वीडियो गाइस। आई होप यू लाइक दिस वन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। टिल देन, बाय।